अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी एजुकेशनल हब। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हमदान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल का मकसद आवाम के अंदर, खुसूसन स्टूडेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से मालूमात फराहम करना है। तो इसी मकसद के पेश नज़र आज हम बात करेंगे कुछ डिजीज़ के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं डिजीज़ ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि हज़मी नाली की बीमारियाँ। इस बीमारी में सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग यानी कि उल्टी का आ जाना या कै का आ जाना। सबसे पहली बात मैं क्लियर करता चलूं कि वॉमिटिंग इट्सेल्फ, वॉमिटिंग खुद से एक बीमारी नहीं है, ये कई बीमारियों की अलामत हो सकती है। कई बीमारियों का सबसे पहला अलामत जो हमारे पास आती है वो वॉमिटिंग ही होती है। वॉमिटिंग किसे कहते हैं? वॉमिटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक आर एक्सपेल्ड थ्रू एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या मतलब? यानी कि वॉमिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर जितने भी अज्जा इंसानी मैदे के अंदर होते हैं वो खाने की नाली के ज़रिए जिस्म से बाहर आ जाते हैं। कैसे बाहर आते हैं? थ्रू एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी कि एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसका मतलब ये होता है कि खाने का निज़ाम हाजमा की नाली का, उसके अंदर खाने का मुंह से लेकर मकद तक रास्ता एक फोर्स के ज़रिए होता है, एक मूवमेंट के ज़रिए होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट का अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, यानी कि खाना जो है अब मकद से लेके मुंह की तरफ बाहर आ जाए, इसमें किसी भी रास्ते पे अगर वो खाना चले तो उसे हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक फोर्स, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब वॉमिटिंग के क्या कॉजेज हो सकते हैं? वॉमिटिंग के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसा कि इंसान अगर जहर आलूद या कोई आलूदा अशिया खा ले, पॉइजन फूड ले ले, उससे हो सकता है। इसके अलावा इंसान को अगर कोई पेट की और बीमारियाँ हों, जैसा कि पेप्टिक अल्सर यानी कि मैदे के अंदर अल्सर का हो जाना, अपेंडिसाइटिस हो जाना, उसके अंदर भी वॉमिटिंग हो जाती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल मसले की तौर मसले भी जो हैं वॉमिटिंग की तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कभी स्ट्रेस में हैं तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो वॉमिटिंग की ये सारी वजूहात हैं। अब हम बात करेंगे जिस बीमारी के बारे में, वो है डायरिया। डायरिया यानी कि इसहाल या पतले दस्त आना। डायरिया इज़ द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड फ्लूडिटी ऑफ स्टूल्स, यानी कि इंसानी फुजला जो है उसकी मिकदार में या उसके पतलेपन में इजाफा हो जाना, लूज़ स्टूल्स या लूज़ मोशंस आना, इसे हम डायरिया कहते हैं। डायरिया के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसा कि इंसान की जो बड़ी आंत है जिसे हम कोलन कहते हैं, उस कोलन की कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे वो बैक्टीरिया से हो जाए, चाहे वो वायरसेस से हो जाए, या कोई ऐसा हम जहर आलूद या कोई पॉइजन फूड खा ले, तो उससे इंसानी जो आंत है वो इरिटेट होती है और उसके अंदर डायरिया का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे कोलन के अंदर कंटेंट्स होते हैं वो जिस्म से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, इससे हम कहते हैं डायरिया। या इसके और कॉजेज में ये हो सकता है कि अगर इंसान को साइकोलॉजिकल, जैसे इंसान अगर स्ट्रेस में है तो उसको जो है पेट में दर्द और साथ में डायरिया शुरू हो जाता है, तो साइकोलॉजिकल भी होता है। अब डायरिया का इलाज यही है कि डायरिया का जो कॉज है, जिस वजह से डायरिया हो रहा है, उस कॉज को ठीक किया जाए। अगर कोई पेट की बीमारी है तो उस बीमारी का एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल से इलाज किया जाए। साइकोलॉजिकल है तो उस स्ट्रेस को दूर किया जाए। और एक और बड़ा मसला खासतौर बच्चों के अंदर डायरिया में जो आता है वो ये है कि डायरिया एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान के दस्त के साथ बहुत ज़्यादा पानी खारिज हो जाता है। जब इंसान के दस्त के साथ बहुत ज़्यादा पानी खारिज होता है तो इंसान के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाती है, इंसान डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डायरिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन तो हो गई, इसका अब इलाज क्या है? डिहाइड्रेशन इंसानी दिल के लिए, इंसानी दिमाग के लिए, इंसानी अज़ा के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए हमें जिस्म का पानी पूरा करना पड़ता है। अब जिस्म में पानी की मिकदार पूरी करने का तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम लेते हैं ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट। इसको हम सॉल्ट होता है, इसका साशे आते हैं, इसको हम पानी में मिला सकते हैं, पानी में मिला के खुद बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है, बच्चों को दे सकते हैं, जवानों को दे सकते हैं और बूढ़ों को दे सकते हैं, ताकि उनके अंदर डिहाइड्रेशन को हम ठीक कर सकें और पानी की मिकदार को ठीक कर सकें। अगली बीमारी जिसके बारे में हम बात करें वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ का हो जाना। जैसे हमने बात की कि डायरिया के अंदर बहुत पतले दस्त आते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होना बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, इसका बिल्कुल उलट है। इसके अंदर इन कॉन्स्टिपेशन दे इज डेफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, यानी कि फुजले का बहुत कम मिकदार में आना, और आना तो बहुत सख्त और बहुत ड्राई हालत में बाहर आना। इसकी वजह यह होती है कि जब हमारा खाना अपनी आंत में होता है तो आंत खाने के अंदर से पानी जज़ब करती है। जब खाना ज़्यादा देर तक आंत के अंदर, कोलन के अंदर पड़ा रहे, तो कोलन उस खाने में से पानी जज़ब करती रहती है, इतना जज़ब कर लेती है कि अब उसमें पानी की मिकदार बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो हार्ड और ड्राई हो जाता है और कोलन से उसको बाहर निकलने में दिक्कत का सामना होता है।
इसके कॉजेज़ की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन के जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं वो इंसान की अपनी आदतें हैं। वक्त पर अपने पेट को खाली ना करना, वक्त पर वॉशरूम ना जाना, इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। इसके अलावा इसकी साइकोलॉजिकल भी होता है कि कुछ लोगों को जो है कि मतलब स्ट्रेस के दौरान दिनों के अंदर उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या ख़ानदानी तौर पर भी होता है कि जैसे ख़ानदानों के अंदर ही बीमारी जो है चली आ रही है। कॉन्स्टिपेशन बीमारी जो है इटसेल्फ डेंजरस तो नहीं है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत डेंजरस होते हैं, जिसे हम कहते हैं हेमरॉइड्स या पाइल्स, जिसको हम बवासीर भी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर हो जाती है। बवासीर में इंसान की जो मकद के रीजन के अंदर इन द पेरी एनल रीजन देर आर स्मॉल वेंस, मकद के एरिया के अंदर छोटे छोटे खून की नालियाँ होती हैं, वो फैल जाती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून का आना होता है, जिससे पेन भी होता है और बाकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी इंसान के अंदर आ जाती है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन का बर वक्त इलाज करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे जिस बीमारी के हवाले से, उससे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस को हम अगर तोड़ दें तो दो लफ्ज़ बनते हैं, अपेंडिक्स और आइटिस। अपेंडिक्स इंसानी आंत का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि इंसान के पेट के निचले दाहिने हिस्से के अंदर पाया जाता है, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ह्यूमन अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस, यानी कि अपेंडिक्स की सोजिश अपेंडिसाइटिस कहलाती है। ये एक मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी होती है। इसके अंदर यह होता है कि इंसान का जो अपेंडिक्स है वो बिल्कुल उसकी सोजिश हो जाती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो मोस्ट कॉमन इसकी वजूहात हम में जाते हैं, तो इसकी मोस्ट कॉमन वजह यह है कि पेट में कीड़ों का होना। वर्म इन्फेस्टेशन इन द अपेंडिक्स कैन लीड टू अपेंडिसाइटिस, यानी कि अपेंडिक्स के अंदर कुछ कीड़े आ जाते हैं जो कि अपेंडिक्स को इरिटेट करते हैं और वहाँ पर सोजिश का प्रोसेस पूरा शुरू हो जाता है। अपेंडिसाइटिस की वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, अपने पेट के निचले दाहिने हिस्से के अंदर उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसकी स्किन का कलर जहाँ पर अपेंडिक्स है वहाँ पर स्किन का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है, और उसको डायरिया भी हो सकता है जो कि खूनी डायरिया हो सकता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इसमें यह होगा कि इंसान के अंदर जहर फैल जाएगा, जो कि इंसानी जान के लिए ख़तरे का बाइस जो ख़तरे की अलामत है। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? अब मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि अपेंडिसाइटिस सर्जिकल इमरजेंसी है। सर्जिकल इमरजेंसी से मुराद ये होता है कि ऐसी कंडीशन जिसका इलाज सर्जरी के ज़रिए बर वक्त करना ज़रूरी है। अपेंडिसाइटिस के अंदर इलाज हमारा क्या होता है? अपेंडेक्टमी। वी रिमूव द अपेंडिक्स, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, हम पूरा अपेंडिक्स को जिस्म से अलग कर दें, उसको निकाल देते, ताकि जिस हिस्से में बीमारी है हम उसको जिस्म से निकाल दें और इंसान उसके बाद जो है बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो अपेंडिसाइटिस का इलाज अपेंडेक्टमी है, जो कि बहुत बेहतरीन इलाज है। इसके बाद हम बात करें जिस बीमारी के हवाले से, वो कहलाता है एंटेरोबायसिस, यानी कि चनूने का काटना, इसको हम पिनवर्म इन्फेस्टेशन भी कह सकते हैं। ये क्या बीमारी है? ये कैसी बीमारी है जिसके अंदर खुसूसन बच्चों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, जिसमें बच्चों के पेट के अंदर, उनके कोलन के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे चनूने जिनको हम पिनवर्म्स कहते हैं, वो आ जाते हैं। अब वो कैसे आते हैं? गंदगी से आते हैं, बच्चे हाथ नहीं धोते, मिट्टी खा लेते हैं, तो उसके ज़रिए जो है पिनवर्म्स इंसान बच्चों के पेट के अंदर आ जाते हैं, वो अंडे देते हैं, और जो उस कीड़ों की जो मादा होती है रात के टाइम, वो अंडे देती है इंसान के मकद के करीब के इलाके के अंदर। जब वो उस एरिया के अंदर अपने एग्स करते हैं, व्हेन शी लेज डाउन द एग्स इन द पेरी एनल रीजन, तो इस वजह से बहुत शदीद खारिश होती है। इट कॉजेज सीवियर इचिंग एट द पेरी एनल रीजन, स्पेशली एट नाइट, रात के टाइम बहुत खारिश होती है, और जब बच्चे उस जगह को खुजाते हैं तो उनके हाथ के अंदर वो अंडे लग जाते हैं, फिर अगर वो उन्हीं हाथों से कुछ खा लें तो उनको उनके अंदर दोबारा से ये रीइंफेक्शन हो सकता है। इसी तरह ये अगर उन गलीज हाथों से ये बीमारी दूसरे बच्चों के अंदर भी, दूसरे घर वालों के अंदर भी मुंतकिल कर सकते हैं। तो इसका इलाज ये है कि पिनवर्म्स के अगेंस्ट दवाइयाँ दी जाती हैं, जिन्हें हम एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स कहते हैं। उन दवाइयों से हम जो है इन चनूनों का इलाज कर सकते हैं। और उसके सेकंड जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि बच्चों से कहें अपने हाथ धोएं, हिफ़ाना सेहत के सुनों का ख्याल रखें, घर के बच्चे बड़े सब अपने हाथ धोएं, खाने को प्रॉपरली पकाएं, बच्चों को मिट्टी में खेलने से जो है उनको रोकें, और हिफ़ाना सेहत के असूलों पर अमल करके हम पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट द डिजीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।